स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का हम फ्यूचर टेंस कंप्लीट करवाने वाले हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट लिया है फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब हम पहचानते हैं तो हिंदी में हमें ये देखना होता है कि लास्ट में हमें अगर पहचान मिल जाती है गा, जी, भी, तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब जैसे हमें इसको बनाना है तो इसके रूल्स जो हैं, जैसे हमने फर्स्ट लिखा आई और बी, आई बी के साथ हम क्या लगा देंगे सेल, और बाकी कोई भी करता हो जैसे ही, सी, एट, नेम, यू, कॉमा, दे, इसके साथ हम लगाते हैं विल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान हमें मिलेगी गा, गी, गे। पहचान हमें कहाँ मिलती है? वाक्य के अंत में। अब हम इसको बनाएंगे तो इसके लिए रूल्स जो हैं, जैसे हमने कहा आई और बी के साथ हम लगाते हैं सेल, बाकी कर्ताओं के साथ हम लगा देते हैं विल। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जैसे जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, तो ये फर्स्ट पर्सन को हमें ये देखना है कि इसके साथ हमें फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाते हैं हम सेल। लेकिन अगर हम किसी से प्रॉमिस कर देते हैं, किसी से दृढ़ निश्चय कर देते हैं, किसी को धमकी दे देते हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ सेल की जगह क्या लगा देते हैं विल, और बाकी कर्ताओं में उल्टा हो जाता है। जैसे हमने किसी को प्रॉमिस कर दिया, किसी को धमकी दे दी, किसी से दृढ़ निश्चय कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम आई वर्ब बी के साथ लगा देते हैं विल और बाकी के साथ लगा देते हैं सेल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं विल। तो यहाँ हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रखा तो हमें बनाना होगा, तो हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने में हम आई और बी के साथ क्या लगाएंगे सेल और बाकी कर्ताओं के साथ लगाएंगे विल। वर्ब का हो जाएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा तो रख देंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। अदर वर्ड को भी ऐसा ही करना, अगर है तो रख देंगे, नहीं है तो फिर हम नहीं रखते। अब जैसे हमने आपके सामने कोई टेंस रखा, जैसे मैंने कहा भाई खाना खाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई के लिए क्या हो गया ही। अब हमने देखा यहाँ ही के साथ क्या लगाना हमें विल, तो कह दिया ही विल ईट फूड। अगर मैं यहाँ पर भाई की जगह मैं लिख देता, मैं किताब खरीदूंगा, तो आई, आई के साथ हम क्या लगाते हैं सेल, आई के साथ हमने क्या लगा दिया सेल। पहचान हमें मिलती है वाक्य के अंत में, तो पहचान क्या हो गई खरीदूंगा। लास्ट में हमें पहचान मिली गा, पहचान से पहले हमें क्या मिली क्रिया खरीदना, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म रखते हैं फर्स्ट फॉर्म। इसके जस्ट बाद क्या रखेंगे हम ऑब्जेक्ट, तो मैंने कहा आई सेल वाई आवो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानना बहुत ही सरल होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है बी के। इंग्लिश में बनाने के लिए हमें आई और बी के साथ क्या लगाना होता है सेल, बाकी कर्ताओं को, आई और बी को हम छोड़ देते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम क्या लगा देते हैं विल, जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इनके साथ हम क्या लगा देते हैं विल। अगर हमने किसी से प्रॉमिस कर दिया, किसी को धमकी दे दी, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो फिर हम आई और बी के साथ विल लगाएंगे और बाकी के साथ क्या लगा देते हैं सेल। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम मोस्टली विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने आपसे कहा था फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है आई और बी, आई और बी के साथ हमें जनरल वे में क्या लगाना है सेल, बाकी के साथ हम क्या लगाते हैं विल। लेकिन अगर हम अमेरिकन लैंग्वेज में जाएंगे तो अमेरिकन लैंग्वेज में हम सभी कर्ताओं के साथ क्या लगा देते हैं विल, क्योंकि अमेरिका पावरफुल कंट्री है और पावरफुल होने की वजह से वहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को वैल्यू नहीं देते।